सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जयमसी की दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। रैप्चर के विषय में हमने पहले भी दो वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड किए थे जिसमें कि साफ साफ बाइबल के वचनों को प्रस्तुत किया गया था और बाइबल ने ही बाइबल का अनुवाद किया था, पर फिर भी कई हमारे भाई बहन अपने प्री कंसीव्ड सिद्धांतों और शिक्षा को वचनों से परखना नहीं चाहते हैं और कुछ तो झूठे पंथों और झूठी संस्थाओं और झूठे भविष्यवक्ताओं के शिकार हैं। पर जो सच्चाई को जानना चाहते हैं वह किसी की व्याख्या पर नहीं वरन बाइबल पर अपना विश्वास मजबूत करेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी ही बातों पर यकीन करो, पर मैं ये चाहता हूं कि आप खुद वचनों को पढ़ो क्योंकि इसी में आपका उद्धार है। बाकी मैं ये उम्मीद भी नहीं रखता हूं कि हर कोई मेरी बातों को ग्रहण करेगा क्योंकि इतिहास गवाह है कि ऐसा कभी नहीं होगा। पवित्र बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है पर इसे हर कोई ग्रहण नहीं करता है। प्रभु यीशु गॉड इन फ्लैश जो कि खुद परमेश्वर थे पृथ्वी पर आए, क्या सबने उनको ग्रहण किया? नहीं किया, और आज भी लोग उन्हें ग्रहण नहीं करते हैं। पर इस पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर जो कि सिखाता है कि क्लेश के पहले आपका रैप्चर हो जाएगा, मैं इसकी एक सच्चाई आपको बताना चाहता हूं और आप खुद इसे सर्च करके देख लीजिएगा कि 1800 ईस्वी के पहले किसी ने भी इस सीक्रेट रैप्चर का कहीं भी प्रचार नहीं किया है। मसीही इतिहास के जितने भी बड़े बड़े प्रचारक और शिक्षक हुए हैं जैसे कि जॉन बनियन, जॉर्ज मुलर, विलियम बूथ, जॉन वेस्ली, मार्टिन लूथर, ए डब्ल्यू टॉजर, चार्ल्स स्पर्जियन जिसे कि प्रिंस ऑफ प्रीचर्स के नाम से भी जाना जाता है, इनमें से किसी ने भी सीक्रेट रैप्चर का कभी प्रचार नहीं किया और ना ही कभी ऐसी शिक्षा दी। और दूसरी एक मैं बात आपको और बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी बाइबल को पूरा पढ़ के देख लीजिए, नए नियम को छोड़ आप पुराने नियम को भी पढ़ के देख लीजिए, आपको कहीं भी ऐसा एक भी वचन नहीं मिलेगा जिसमें लिखा हो कि भारी क्लेश आने के पहले ही हमारा रैप्चर हो जाएगा। एक भी वचन आपको नहीं मिलेगा, वरन ऐसा लिखा है कि क्लेश से होकर गुजरना पड़ेगा, क्लेश के बाद ये सब होगा। लेकिन ये हमारी मॉडर्न जेलीफिश क्रिश्चियनिटी ने स्ताव कष्टों और कलेशों वाली शिक्षा को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। लोगों को आत्मिक तौर पर कष्टों और स्ताव के लिए तैयार करने के बजाय उन्हें झूठी तसल्ली दी जा रही है कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आप परमेश्वर की दुल्हन हो, आप परमेश्वर की संतान हो, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, आपके ऊपर कभी कष्ट नहीं आएंगे। ऐसे लोगों से मेरा ये एक सवाल है कि क्या पौलुस से, पतरस से और जितने भी प्रेरितों ने सुसमाचार की खातिर कष्ट उठाए और बलिदान हो गए, क्या परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करते थे? और फिर पहली सदी में जब रोमी साम्राज्य ने मसीहों पर अत्याचार किया, उनको जिंदा जला दिया जाता था और गलियों में उन्हें रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और स्टेडियम के बीच जितने भी प्रभु यीशु को मानते थे, बच्चों, औरतों, बुजुर्गों सबको खड़ा करके भूखे शेरों को उनके ऊपर छोड़ दिया जाता था, और वह लोग अपने देखने वालों के लिए एक मनोरंजन बनते थे, तमाशा बनते थे, तो क्या परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करते थे? क्या वह परमेश्वर की दुल्हन नहीं थे? क्या वह परमेश्वर की संतान नहीं थे? अब बात करते हैं हमारे वर्तमान की 20वीं और 21वीं सदी की तुलना अगर हम पूरे मसीही इतिहास के साथ करें तो इन दो सदियों में इतने मसीहों को बलिदान किया गया है कि मसीही धर्म के पूरे इतिहास में भी इतने बलिदान आज तक नहीं हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि हर साल 1,00,000 से भी ज़्यादा मसीही लोग अपने विश्वास के लिए कुर्बान किए जाते हैं, और पिछले 15 सालों में 1.6 मिलियन मसीही लोग प्रभु यीशु पर अपने विश्वास की खातिर मारे जा चुके हैं, और ये अनुमान लगाया जाता है कि हर 5 मिनट के बाद दुनिया में कहीं ना कहीं मसीही विश्वासी को मार दिया जा रहा है। मतलब कि 288 विश्वासी प्रभु यीशु पर अपने विश्वास की खातिर कुर्बान हो रहे हैं। और पिछले दिनों जब मैं रैप्चर के ऊपर वीडियोस बना रहा था तो नाइजीरिया में
मसीहों का कितना खतरनाक कत्लेआम हो रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मसीहों का एक पूरा विलेज ही साफ कर दिया गया। और अगर आप मुझे कहेंगे कि वह सच्चे विश्वासी नहीं थे, वह परमेश्वर के बच्चे नहीं थे, वह यीशु के दुल्हन नहीं थे, परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करते थे, तो मैं कहूंगा भाई आप बस छोड़ दो, माफ कर दो उन्हें। जॉन पाइपर, जो कि एक बहुत ही ब्रिलियंट बाइबल टीचर हैं, आप में से कई लोग शायद उन्हें जानते भी होंगे, और वह भी पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर को ही मानते हैं, और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात कही है। कहते हैं, द थिंग्स ऑन विच वी एग्री आर सो स्टुपेंडस एज टू ओवरवेलम आवर हार्ट्स इन अ कॉमन लव फॉर द लॉर्ड एंड हिज अपीयरेंस। लेट अस नॉट मेक द सेकेंड कमिंग अ सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी बट अ कॉज फॉर वर्शिप एंड अर्नेस्ट होप एंड लिबरेटिंग कॉन्फिडेंस। वो कह रहे हैं कि प्रभु यीशु के दूसरे आगमन को हम बहस का या विवाद का मुद्दा ना बनाएं, वरन उसकी महिमा, स्तुति और उम्मीद का मुद्दा बनाएं। और मैं कहता हूं कि हम प्रभु यीशु के दूसरे आगमन को पवित्रताई का और अपनी तैयारी का मुद्दा बनाएं। अंतिम समय और प्रभु यीशु के आगमन के बारे में हर एक छोटी छोटी डिटेल्स जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु खुद जरूर बता देते। पर उन्होंने मत्ती 24, मरकुस 13 और लूका 17 में जितना भी बताया वह हमारे लिए काफ़ी है कि हम तैयार रहें, हमारा विश्वास मजबूत रहे, हमारी प्रभु के प्रति मोहब्बत कभी कम ना हो, हम झूठी शिक्षाओं से गुमराह ना हो, वरन हमेशा वचनों को पढ़ने और सीखने में लगे रहें। और मत्ती 24 के बाद मत्ती 25 में जो उन्होंने 3 दृष्टांत बताए, उनमें भी उनके बताने का मतलब यही था कि हम तैयारी में रहें, हम हमेशा तैयार रहें। और एक अंतिम बात मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी कभी भी आपको ये सिखाए या कहे कि 2012 में, 2025 में, 2035 में या ऐसी कोई भी तारीख में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो उनकी दूसरी बात मत सुनना, बस वहां से भाग जाना, क्योंकि वह झूठे नबी हैं और झूठी शिक्षा फैला रहे हैं। मैंने 2012 क्यों कहा, क्योंकि ये झूठी शिक्षा मदर यरूशलम यानी वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड के द्वारा फैलाई गई थी और बहुत से लोगों ने इसका विश्वास भी किया था। पर आपको जानना जरूरी है कि स्वर्ग दूत भी नहीं जानते हैं कि अंत कब होगा, तो प्लीज आप किसी के धोखे में मत आना। बाइबल को अपनी शिक्षा और सिद्धांतों का आधार बुनियाद बनाएं, ना कि किसी व्यक्ति और किसी संस्था को। अगर मेरे कुछ ज़्यादा बोलने से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि प्लीज़ आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ते रहें, परमेश्वर की नॉलेज में बढ़ते रहें और परमेश्वर के प्यार और पवित्रताई में बढ़ते रहें। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और अगर आप चाहते हैं कि इस मैसेज को और भी लोग सुने तो प्लीज़ इसे शेयर करें ताकि किसी का जीवन बदल जाए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह हम सब पर बना रहे हैं।